श्री राधे। गोश वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, रात्रि का समय 11:16। बड़ा ही मनमोहक सुंदर नज़ारा श्री वृंदावन धाम का, और इस समय कोहरा भी काफ़ी हो रहा है। हम रात्रि में अपने वृंदावन के आनंद लेने के लिए निकले हुए थे। आप देख सकते हैं बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है। बहुत कोहरा हो रहा है, यमुना जी का किनारा, ये कैसी घाट ये है हमारा वृंदावन, हमारा पुराना वृंदावन। देखिए कितना सुंदर, और इसके ये जो मैं आपको इधर साइड से दर्शन करा रहा हूँ, ये पूरा यमुना जी का तट है। इधर कोहरे के कारण यमुना में ये दिख नहीं पा रही है इस समय। ये कुंभ मेले की तैयारियाँ, ये बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, ये कुंभ मेले की तैयारी है। और ये है वृंदावन का केशी घाट, अति प्राचीन केशी घाट, अति प्राचीन केशी घाट। दिन में दिखाएंगे इसको, दिन में कभी। हाँ देखो केशी घाट। बोलो राधा रानी की जय, बोलो यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे बोलिए सभी, राधे 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 बोलो, वृंदावन में डोलो और मन को पूरा खोलो। जय जय श्री राधे। एक बात जोर से जयकारा, ये हमारा बिल्कुल केशी घाट यमुना जी का तट, ये श्री हनुमान जी वाले बाबा की समाधि। केशी घाट के बड़े ही सिद्ध संत श्री हनुमान जी वाले बाबा, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में केशी घाट पर यमुना जी के तट पर ही हनुमान जी के मंदिर में श्री यमुना महारानी जी के चरणों में रहकर अपने जीवन पर्यंत यहाँ संत स्वरूप में तपस्या करी है। श्री हनुमान जी वाले बाबा की समाधि सभी प्रणाम कर लीजिए। जय जय श्री राधे। ये सामने ही हमारे भोलेनाथ इस समय तो मंदिर शयन है, मन चिंतेश्वर महादेव, ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं मन चिंतेश्वर महादेव। ये श्री गिरिराज शरण और ये श्री यमुना महारानी जी का प्राचीन मंदिर, वृंदावन में एकमात्र मंदिर श्री यमुना महारानी जी का केशी घाट पर, ये यमुना महारानी जी का मंदिर। इस समय मैया शयन है, और ये घाट हमारे, ये हमारे वृंदावन का आरती घाट, यमुना आरती स्थल। बाबा की फोटो लग रही है फ्लेक्सी में। ये प्राचीन स्थल, ये यमुना आरती स्थल के आप दर्शन करें। कोहरे के कारण इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये वाइट वाइट आप जो भी देख रहे हैं पूरा कोहरा। मोर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, और नाच नाच कूक कूक तुमको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद फांद वृक्ष डारन पे जाऊंगो। भिक्षुक बनाओ, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को,
कूद कूद फांद वृक्ष डारन पे जाऊंगो, बंदर बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद फांद वृक्ष डारन पे जाऊंगो, और भिक्षुक बनाओ भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो, और राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, सब द्वारन कुछाड़ के अब गयो तिहारे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार, काहू के बल भजन को काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुबर के मैं तो सोबत पाम पसार, मैं तो सोबत पाम पसार, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, हो जहां विराजत मोहन राजा, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, प्यारी वृंदावन रजधानी, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने ये रात्रि में दर्शन करे श्री वृंदावन धाम से, यमुना जी का पावन तट, ये हमारे पलाश भैया, आप सभी को राधे राधे, राधे राधे। और ये भी बड़ा गर्व का विषय है कि आप सभी भक्तजनों के लिए हमारे भैया ने ये वृंदावन से सेवा प्रदान की है, जिसमें हमारा पुराना वृंदावन, जिसमें वास्तविकता में पुराना ही वृंदावन है, जो आज आप सभी सहज रूप में दर्शन कर पाते हैं, ये भैया की आप सभी पर बहुत बड़ी कृपा है, राधा रानी का आशीर्वाद है, यमुना मैया का आशीर्वाद है, बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद है, जो आप सभी आज भी इस समय पर भी नित्य प्रति श्री वृंदावन धाम के प्राचीन दर्शन कर पाते हैं। आप सभी से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन धाम के इस वीडियो को शेयर करें, आप सभी के घर में आनंद हो, मंगल हो, ऐसी श्री यमुना महारानी जी के श्री चरण कमलों में हमारी प्रार्थना। जय जय श्री राम। और जैसा कि आपको पता है कुंभ लगने जा रहा है 16 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक, अगर आप वृंदावन आइए मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, दर्शन कीजिए कुंभ के। अगर आप दर्शन करने नहीं आ पाते हैं तो पुराना ये जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप दर्शन करिए, नित्य के डेली को आपको अपडेट्स मिलेगा और दर्शन मिलेगा। बाहर से काफ़ी अच्छे अच्छे संत आएंगे, हम भी उनके दर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको भी उनके दर्शन कराएं डेली नित्य। तो आप जुड़े रहिए और लोगों को भी प्रेरित करिए वो यहाँ से जुड़ें, और कोई भी समस्या आदि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, किसी कोई भी रिगार्ड हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व आउट करने की।
दर्शन करते रहिए और करवाते रहिए, बस यही है श्री वृंदावन। जय जय श्री राधे, बोलो श्याम सुंदर श्री अमले रसरानी की जय। जय जय हो। यमुना जी के चरणों में भी हाजिरी लगा दीजिए, वो यमुना मैया की जय। और अब हमारा जो हमारा पुराना वृंदावन फेसबुक पेज है, इसी नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ पर भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं। और सेम नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको आप सॉल्व करवाने के लिए हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं उसको जल्द से जल्द हम सॉल्व आउट करने की, और अगर नहीं हो पाती तो हम 2-3 दिन का हमें समय लगता है, हम लेकिन आपको बता देते हैं कैसे क्या करना रहता है। जय जय श्री राधे। 450 के लगभग वीडियोस पड़ी हुई हैं वृंदावन की, 450, तो अगर आपने नहीं देखी है तो सारी देख लीजिए, वहाँ पर आपको अलग ही अनुभूति मिलेगी। और वीडियोस में हम लोग एडिटिंग भी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं जैसा हम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी घाट पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर जैसा दर्शन कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ सेम ऐसा ही दर्शन आप करें घर बैठे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, फिर आपको दर्शन में क्या मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं दर्शन यहाँ खड़ा हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सुख है, तो एज वेल एज हम पूरा यहाँ से कट टू कट पूरा उठा के अपलोड कर देते हैं ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाओ। मतलब जैसा मैं यहाँ फील कर रहा हूँ ऐसा ही आप घर बैठे फील कर पाओ। बड़ा अद्भुत आनंद है श्री वृंदावन धाम का करने की, ऐसे एकदम सिंपल लगते हैं वीडियोस को। और मंदिर के दर्शन, हम जैसे बहुत से व्यक्ति कहते हैं भैया मंदिर के दर्शन करवाइए, तो मंदिर के काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटी हैं, सब मंदिरों के पेजेस बने हुए, चैनल है, अब वहाँ पर दर्शन करिए। हम कोशिश करते हैं जो वो लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते किसी कारणवश, उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। अब मंदिर से निधवन मंदिर के दर्शन, निधवन मंदिर का पेज है वहाँ दर्शन कर लीजिए, राधा रमन जी का पेज है, राधा वल्लभ जी का पेज है, सब है मंदिरों की सोशल एक्टिविटी है, वहाँ दर्शन अब कीजिए। और बची कुची जो मतलब उसके अलावा जो कुछ रह जाता है वो हम पूरा कर देते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलिए सभी, बोलो राधा रानी की जय, बोल यमुना मैया की जय। रिमाइंडर करा दूं, 16 फरवरी को कुंभ लग रहा है मेला, जो 12 साल में लगता है वृंदावन में, 16 फरवरी से 25 मार्च आप कोशिश करिएगा आने के लिए, क्योंकि बड़ा ही अद्भुत मतलब अद्भुत ही दर्शन होगा। और भैया महाराज जी हैं, ये आपको बताएंगे कि कुंभ की वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है। अभी नहीं, हम बहुत जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड करेंगे, मैं आपको दर्शन करा दूं महाराज जी के, तो वो आपको बता देंगे कुंभ मतलब क्यों लगता है वृंदावन में। ये इधर इधर वृंदावन बिहारी लाल की, आप सभी भी पधारें, 16 फरवरी बसंत पंचमी के पावन पर्व से श्री वृंदावन धाम में कुंभ मेला की बैठक है। कुंभ एक योग होता है, इस योग में एक वृष्टि होती है, उस वृष्टि के कारण ही इसको कुंभ मेला कहा गया है। वह वृष्टि जो होती है वो एक निश्चित समय में होती है और निश्चित काल में ही होती है, उसी वृष्टि के कारण ही इसको कुंभ मेला कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े संतगण, जगतगुरु शंकराचार्यगण, बड़े विशेष विशेष संतगण आते हैं, सभी के अखाड़े लगते हैं, नित्य नवीन प्रकार के प्रोग्राम जिसमें भागवत जी हैं, हरिनाम संकीर्तन है, भजन संध्या है, और ठाकुर जी के नाना प्रकार के गुणगान से ठाकुर जी को रिझाया जाता है। अनेकों भक्त आकर अपने द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए वृंदावन धाम में ठाकुर जी के चरणों में कोई खिचड़ी सेवा करता है, कोई नाना प्रकार की सेवाएं, क्योंकि बड़ भाग मानुष तन पावा, कोई साधारण भाग्यों से मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, ये शरीर जो मिला है आज मिला है, पता नहीं आगे मिले ना मिले, 84 लाख योनियाँ हैं, आज जो मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें, अन्यथा क्या होता है कि जीवन बीत जाता है कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तो तूने जन्म तो ले लिया पर वो सिर्फ बातों को अनर्गल फालतू की बातों में बीत गया, जिस उद्देश्य के लिए आए थे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उद्देश्य क्या था, ठाकुर जी का भजन करना। जीवन में जब मातृगर्भ में बालक होता है तो हाथ जोड़ कर ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप मुझे इससे बाहर निकालिए। हाथ जोड़कर ऐसी जब प्रार्थना करता है, भगवान कहते हैं बोले अब संसार में जाएगा फिर से माया में फंस जाएगा। तो जीव क्या कहता है, बोले नहीं महाराज मैं आपका भजन करूँगा, किंतु यहाँ आते ही सबसे पहले जैसे ही धरातल पे आता है और आते ही सबसे पहले दूध पीने की उसको इच्छा होने लगती है, दूध पीता है, सबसे पहले दूध पीता है, फिर धीरे धीरे करके वो माया में फंसता चला जाता है। अभी तक बच्चा कुछ नहीं जानता था और अब आगे आकर
सब जानने लग गया, पहचानने लग गया, ये मेरे माता, ये पिता, ये चाचा जी, ये ताऊ जी, ये भाई बंधु, सब कुछ अपना, तेरी, मेरा, पराया, सब कुछ जानने लग जाता है। और धीरे धीरे उसी प्रकार से माया के फेर में फंसता चला जाता है। तो सभी से यही निवेदन है कि वृंदावन में पधारें कुंभ के मेले के अवसर पर। हम भी यमुना जी के तट पर खड़े हुए हैं, यमुना महारानी जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है, तो यहाँ वृंदावन धाम में पधारें, कुंभ मेले का भी आनंद लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। यहाँ हम केशी घाट पर खड़े हैं, यहाँ नित्य यमुना जी की सेवा होती है, नित्य आरती होती है, यहाँ भी आप लोग पधारें। सभी को जय जय श्री राधे, बोल यमुना मैया की जय। श्री राधे, जय जय श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। आ जाओ, ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय जय श्री राधे।